सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे विद्यालयों के एसएमसी खातों में एक नवीन धनराशि प्राप्त हुई है। उस धनराशि का उपभोग हमें किस तरीके से करना है, क्या इसका उपभोग भी पीएफएमएस पोर्टल से होगा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। देखिए, ये धनराशि जो प्राप्त हुई है, ये इसका हम आदेश देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित कराने हेतु धनराशि आवंटित की गई है। अब देखिए, इस धनराशि का उपभोग हमें किस तरीके से करना है और ये किस हिसाब से भेजी गई है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, क्लास एक में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है तो क्लास एक के लिए कोई भी धनराशि नहीं भेजी गई है। वहीं पर अगर हम क्लास 2 से 5 की बात करें तो क्लास 2 में 7.5 रुपये प्रति छात्र छात्रा की दर से उत्तर पुस्तिकाओं को खरीदने के लिए धनराशि भेजी गई है। वहीं पर क्लास 6 से 8 के लिए 15 रुपये प्रति छात्रा छात्रा की दर से ये धनराशि भेजी गई है। अब देखिए, इसका उपभोग हमें प्रबंध पोर्टल से करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका उपभोग आपको प्रबंध पोर्टल से नहीं करना है क्योंकि ये लिमिट नहीं भेजी गई है, ये धनराशि एसएमसी खातों में भेजी गई है। अगर हम इससे पूर्व के आदेशों की बात करें तो वहाँ पर हर जगह आपको प्रबंध पोर्टल का जिक्र किया गया है और कंपोनेंट कोड भी बताया गया है कि किस कंपोनेंट कोड के अंतर्गत आपको इसका भुगतान करना है। लेकिन अगर हम इस आदेश की बात करें तो इस आदेश में कहीं भी प्रबंध पोर्टल का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही किसी कंपोनेंट कोड की बात। यह धनराशि ZBSA के अतिरिक्त जो हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के खाते हैं उनमें प्रेषित की गई है, तो इसका उपभोग उसी खाते से करना है, इसका उपभोग PFMS पोर्टल के माध्यम से नहीं करना की गई है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अभी विद्यालयों में ये ग्रांट भी आनी है, या तो आपके यहाँ आ गई होगी और अगर नहीं आई है तो ये ग्रांट भी आज आनी है। इसका उपभोग आपको किस तरीके से करना है, ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे। और देखिए, इसके अतिरिक्त तो 1600 रुपये की एक नई ग्रांट और आनी है, कुछ जनपदों में आ गई है, कुछ जनपदों में आना अभी बाकी है, तो संभवतः आज आ जाएगी। इसका उपभोग भी देख लेंगे किस तरीके से करना है, ये वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।